आज की रेसिपी है मिक्स स्प्राउट परांठा। ये जितना हेल्दी है खाने में उतना ही टेस्टी भी होता है और आसानी से बन भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्स स्प्राउट लिए हैं, उसमें एक कप के करीब हरी मूंग लिए हैं और हाफ कप चना और हाफ कप लाल मूंग, और इनको मैं यहाँ पे दरदरा करके पीस लूँगी। बहुत बारीक नहीं रखना है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। तो अब हम जो है स्टफिंग बनाते हैं परांठे की। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है, उसमें चुटकी भर हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है, किसा हुआ अदरक। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद इनमें यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर देंगे। तो हमारी प्याज भी अच्छे से भुन चुकी है। उसके बाद हमारे मसाले ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्याज और मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्प्राउट्स को ऐड कर देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद नमक ऐड कर देंगे स्वादानुसार और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इन्हें यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक के लिए ही फ्राई किया है। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम परांठे बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल चपाती के लिए हम डो यूज़ करते हैं वही यूज़ किया है। तो इसको इस तरीके से हम बेल लेंगे। और उसके बाद जो हमारी स्टफिंग है हम उसमें वो डाल देंगे। मैं थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा स्टफिंग ले रही हूँ, आप यदि कम पसंद करते हैं तो कम डालिए। तो इसको इस तरीके से किनारों से पकड़ते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे और हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम हाथ पे ही बढ़ा लेंगे जिससे कि जो मसाला है वो हर तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए और जो हमारे पराठे हैं वो फटे भी ना। तो हाथ से इसको शेप देने के बाद अब मैं इसको बेलन की हेल्प से बढ़ा लूँगी। बस ये ध्यान रहे कि इन्हें हमें हल्के हल्के हाथ से ही बढ़ाना है। मैं इन्हें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर, घी या ऑयल जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम एक पलटे की हेल्प से इसको अच्छे से दबाते हुए उलट पुलट करके सेक लेंगे जिससे खस्ता हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, और खस्ता परांठों की तो बात ही अलग होती है। तो ये देखिए हमारे स्प्राउटेड परांठे जो है वो रेडी है। मैंने इन्हें यहाँ पे दही के साथ सर्व किया है। दही में थोड़ा सा मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डाल के सर्व किया है। इन्हें आप अचार या आलू टमाटर की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करें। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और द वेज नुक्कड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।